जाएंगे। वेलकम अयाना, हाउ आर यू? ओ जोहान आ गया, जोहान आ गए, छोटे छोटे छे, छोटे छे जोहान आ गए। जरा मैं भी नहीं जा रहा। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, देख लिया आ जाओ। आप कैसे हो? ठीक ठाक, बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आज मिल बैठे, जरा इफ्तारी कर लें सारे। हाँ, आ जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि आज जो है हमने रोजा की इफ्तारी की। हमने कहा इफ्तारी करते हैं जीनी के साथ और आयशा के साथ। दुबई से मेहमान आए हुए हैं तो आज हम उनको बुलाते हैं, तो सो आपको भी साथ दावत देते हैं कि आप सारे भी आए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें, चलते हैं अंदर। ये हमारी छोटी सी अयाना है। अयाना उधर देखो ना, अच्छे अच्छे करो। हाँ यस, सबको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है? आए, यस यस। चलो चलो बैठो। ये पकौड़ी है आयशा, और देखो खाते हैं पता चलेगा। और ये पोटैटो के मतलब बने हुए हैं पकौड़े, और ये केक बनाया तो नहीं है घर में सीनत। अच्छा, लेकिन ये बाहर से लाया है, मोहेस को शौक था बड़ा इसका ना। अच्छा, और ये खजूरे हैं, ये मीठी चटनी है बहुत ही जबरदस्त किस्म की। ये चाट असल ने फ्रूट चाट बनाई है, और बड़ी वो भी स्पेशल आप लोगों को पता ही है। हाँ जी, क्यों आशा? बिल्कुल, लास्ट टाइम खाई थी ना, कैसी लगी थी? बहुत मजे की, बहुत टेस्टी। हाँ, और ये जो है ये हमारा ईरानी डिश है। हाँ, ये नूडल है और इसमें मिंट उन्होंने डाला हुआ है, साथ उन्होंने बीन्स डाले हुए हैं, और ऑलिव है इसमें, और साथ उन्होंने ना यखनी इसमें डाला हुआ। ये एक्चुअली हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे, ये एक्चुअली आया गिफ्ट हमें, है ना? हाँ जी, आयशा के नेबर से। आयशा के नेबर हैं, वो ईरानी लोग हैं, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक नई, तो फिर हमने कहा चलें सारे मिलके खाएंगे जाके। हाँ, बहुत अच्छा किया, क्योंकि फिर उधर अकेला बंदा कितना खा सकता है, इस तरह थोड़ा थोड़ा चलो सब चख लेंगे। तो बड़ा है, तो अब बिल्कुल मोहेस क्या टाइम हो गया बेटा? बस खुल गया, नहीं खुलने वाला ही, अभी दो तीन मिनट रहते हैं, तो दुआ करना। जिन जिन के पेट में जाए मेरे रब العالمین, उनके लिए ये रिज़्क जो है, तेरी नेमत जो है, ये रहमत बन जाए मेरे अल्लाह। आमीन। और कबूल फरमाना मेरे मालिक जो हमने रोजा रखा है हमारी। आपने कुछ खाना नहीं? फ्रूट चाट खाऊंगी। फ्रूट चाट, चलो आ गई है फ्रूट चाट। इधर आप आ जाए, नीचे फ्लोर पे आ जाए, यहाँ पे बैठे पे गिरेगी यहाँ पे। सर अंकल बना रहे हैं आपकी वीडियो, इफ्तारी की वीडियो। इफ्तारी कर लो ना सबको। नहीं, वो गिरा देगा, तुम जाके खा लो। चलो इफ्तारी वीडियो बन जाओ, चलो थोड़ा वेरी यम्मी फ्रूट सैलेड, बहुत यम्मी।
यमी है ना। एक स्ट्रॉबेरी भी लेते हैं, देखो एक स्ट्रॉबेरी भी है, और एक एप्पल भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, मेरा भी तो था स्ट्रॉबेरी भी है, एप्पल भी है, ऊपर से याद है पहले तेरे मोएज लग रहा है, ये तो मैंने मिस्टर चिप चिप लग रहा है साइड पे करना, बहुत मजे का था, मजा आया ना। हाँ अक्षर भाई थी जो है ना चार्ट, अच्छा वो नंबर ले गई, वो नंबर ले गई, और ये जो मैंने दही भल्ले बनाए थे इसका ये नंबर दो पे आया। चले साथ आपका तो नंबर वन भी आ गया और हमारा नंबर टू पे, और ये केक जो मोहेज ने जो तैयार किया है इसका क्या कहते हैं, ये भी थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, और चाय के साथ चलेगा ये ना, बिल्कुल। आयशा क्या कर रही है? मैं बच्चों की ड्यूटी दे रही हूँ। अच्छा मोहेश की भी थोड़ी ले लेते हैं तो फिर बातचीत करके खत्म करें। आयशा क्या कर रही है? आयशा की तरफ करें क्योंकि बच्चों के साथ आयशा जो है वो इफ्तारी करा रही है, और आयशा आपकी इफ्तारी तो सारी खराब हो गई बेटा। नहीं मेरी भी होगी साथ साथ बच्चों के ना, आपको सुकून बस बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ तो ऐसे ही, बच्चों के साथ तो ऐसा ही, माँ का ऐसे ही होता है, माँ पीछे पीछे चलती रहती है और बच्चे आगे आगे। यहाँ देखो है सुहान, उसकी बॉटल नीचे चली गई है। खट्टी मिट्टी है, अच्छा ठीक है। और वो अपना जो है ना क्या कहते हैं, इमली अपना आप बता रही है कि मैं हूँ। इमली टाइना दे दो, इमली और गुड़ ऐना उसको दे दे, और नमक थोड़ा सा नींबू, हाँ ओले मतलब और अच्छी हो ना, चलो आपकी बाइक को सोने दे भी दिए, उसमें पता नहीं जा रही है, जल्दी करो आकर आकर जल्दी करो। अब आप क्या कहते हैं, खाओ अब खत्म करें क्योंकि खाना भी खा लिया, खत्म हो गया, पेट तो इसी से भर गया, पेट तो इसी से भर गया, इसी से पेट भर गया, तो खाने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि बिरयानी जीनत ही लेके आई थी, और मैंने भी जो है ना वो कोफ्ते बनाए हुए थे, और साथ चिकन और साथ दाल, लेकिन अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जरा सी भी किसी चीज की, बहुत हैवी हो गई है, बहुत हैवी हो गई है। हाँ तो ठीक है फिर असर साहब, अपने प्यारे मेरे बहन भाई और व्यूवर्स उन सारों के लिए रमजान मुबारक है, और अल्लाह पाक आपके लिए ये पूरा महीना जो है बरकतों वाला लेके आए। आज मेरा ख्याल है आठवां रोजा है ना, आज आठवां रोजा है, और खैर से अल्लाह पाक ने आठ रोजे मुकम्मल कर दिए हैं, और जिंदगी रही तो सिलसिले चलते रहेंगे। चले इसके साथ ही बहुत ढेरों दुआओं के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और इसको कमेंट्स भी दें जरूर, क्योंकि हमारी इस तरह हौसला अफजाई होती है। तो बहुत शुक्रिया।